दवाओं का स्वाद कड़वा होना आम बात है, इस तरह करेला भी एक तरह की दवा है। खास तौर पर करेला खून में शुगर को कम करती है। करेले का कड़वा स्वाद पेट के कीटाणु को दतम करता है। यह भूख को कम करके शरीर के वजन को कम करने में मदद करता है। करेले की सब्जी बनाने के लिए 2 करेले काट लें। बीज निकालने के बाद करेले का वजन लगभग 400 ग्राम था। अब कटे हुए करेलों में थोड़ा हल्दी पाउडर डालकर पकाएं। अब लहसुन की 10 कलियां और 100 ग्राम छोटे प्याज लें। दोनों को सिलबट्टा पर कुचलना काफी है। करेले को ठीक 10 मिनट तक पकाएं। तेल में 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी, कुचला हुआ लहसुन, 4 कच्ची लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते डालकर तल लें। थोड़ी देर तलने के बाद कुचले हुए छोटे प्याज डालें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग और थोड़ा सा क्रिस्टल नमक भी डाल लें। इन सभी सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह से तलने के बाद अब करेले डालें। इसके बाद करेले पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी डालें। फिर 20 ग्राम इमली को घोलें और इसे करेलों में मिला दें। जब करेले में डाली गई इमली उबलने लगे, 10 ग्राम पिसा हुआ गुड़ डालें। दो चम्मच बेसन में थोड़ा पानी मिलाकर करी में मिलाएं। जब बेसन का पेस्ट डालने के बाद यह उबल जाए, करेला पक गया है या नहीं यह जांचने के बाद चूल्हे से उतार लें। करेले की सब्जी खाने के लिए तैयार है। करेले का कड़वा स्वाद पेट के कीटाणु को दतम करता है। यह भूख को कम करके शरीर के वजन को कम करने में मदद करता है।